हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने हॉल का मेकओवर। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं पर्दे लगा लूंगी। पर्दे पहले मेरे बहुत लाइट से कलर के लगे हुए थे, तो मैंने बोला चलो इनको कुछ न्यू लुक देते हैं। तो मेरे पास ये बांधनी की 5 मीटर की साड़ी पड़ी थी। मैंने 2 पर्दे सिले और वाइट पर्दों के ऊपर अटैच कर दिए, और साथ में ही मैंने ये पुराने वाले पर्दे भी डाल दिए दोनों साइड। और यहाँ पे मैंने बीच में से पर्दे को पकड़ के धागे से बांध दिया है, और दूसरी साइड भी बांध दूंगी। बड़ा वाला तोरण है जो बीच में लगा दूंगी, और छोटे छोटे है जो साइडों में लगा दूंगी। ये मैं लोकल मार्केट से ही लाई थी। और दोनों साइडों में ये मैं फूल वाली लड़ी लगा दूंगी। ये सोफे के कवर मैंने घर पे ही तैयार किए। मेरे पास पर्दे पड़े थे पुराने, तो मैंने बैक साइड के सोफे के कवर बना लिए। और ये कॉटन का कपड़ा लोकल मार्केट से लाके मैंने पॉम्पॉम की लेस लगा के इसको सोफे के कवर बना लिए। यहाँ पे रखते हैं कुशन कवर। ये भी मैंने कुशन कवर घर पे ही रेडी करे हैं। मेरे पास सिक्वन का कपड़ा पड़ा था, उसके कवर सिल के मैंने ये फूल लगा दिए ऊपर। और ये जो बांधनी का कपड़ा बचा था, उसके मैंने 2 कुशन कवर बना दिए। तो ये पूरा सेट बन गया हमारा, और ये साइड भी हम बिछा देंगे। यहाँ पे जो मैं कुशन रखने वाली हूँ, उसके भी कवर मैंने खुद ही तैयार किए हैं। मैं कपड़े सिलती हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे कपड़े बच जाते हैं, लेसें भी बच जाती है, तो मैं उसके ही तैयार कर लेती हूँ सब। हाँ जी, यहाँ पे लगा दूंगी फ्रेम। ये फ्रेम मैं लोकल मार्केट से लाई थी, तो लकड़ी जैसी दिखते है। इसको मैंने पूरे को पेंट कर लिया, अच्छा ब्राइट सा कलर सबको, तो बहुत ही प्यारे लगते हैं लगने के बाद। अब आती है कॉर्नर की बारी। तो ये वाला लैंप है जो मैंने मीशो से मंगवाया था। उसके बाद यहाँ पे मैं प्लांट पॉट रखूँगी, वो भी मैंने मीशो से मंगवाए थे। ये जो फूल है, ये तो मेरे को बहुत ही कम रेंज में मिल गए थे, 25 रुपीज़ का कुछ एक मिल गया था। तो बहुत ही खिले खिले, बहुत ही प्यारे से दिखते हैं यहाँ पे। अब आती है टेबल की बारी। तो ये जो कवर है, ये मैंने घर पे ही सिला है। मेरे पास बनारसी दुपट्टा पड़ा था, उसका मैंने कवर बना दिया। और ये जो ट्रे बनाई है, ये भी मैंने घर पे ही तैयार की है। केक वाला खड्डे से मैंने ये ट्रे तैयार की है। और ये जो पॉट है, ये मैंने मीशो से मंगवाई है, येलो और ब्लू कलर। यहाँ पे मैंने सोफे के कवर के साथ के ही मूड़े के कवर बनाए है मैचिंग करके। और ये कपड़ा बच गया था थोड़ा सा मेरे पास बांधने का, तो इसके मैंने कवर बना दिए। मेरे पास लेस भी थी बहुत सारी पड़ी, यहाँ पे मैंने गोटा फूल लगा के लेस लगा के इसको तैयार कर लिया कवर को।
ये जो बॉक्स है ना पहले मेरी वॉल के ऊपर लगे हुए थे, अब मैंने इनको निकाल के कॉर्नर के लिए शोपीस बनाया है। पहले मैंने बड़ा वाला चिपका लिया फेविकॉल से, अब मैं छोटे वाले चिपका लूँगी। उसके बाद इसके अंदर मैं डेकोरेट का पूरा सामान रख दूँगी, शोपीस छोटे छोटे। और ये जो मैट है ये भी मैंने मीशो से मंगवाई है। मेरे पास ना पुरानी कुर्ती घेर वाली पड़ी थी, उसके नीचे लेस लगी हुई थी ये वाली, तो मैंने ये निकाल के दोनों दरवाजों के तोरण बना के लगा दिए। यहाँ पे मेरी खिड़की भी सूनी सूनी लग रही थी, तो आर्टिफिशियल मनी प्लांट लगा के मैंने इसको थोड़ा हरी भरी सी कर दिया है। चादर बिछ गई है तो कुशन रख देती हूँ। ये पूरे मल्टी कलर के कुशन बनाए इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पास कपड़ा बचा बचा रहता है तो मैं पूरी लेस और कपड़ा यूज़ कर लेती हूँ, फालतू बेकार बिल्कुल भी नहीं जाने देती। ये मूडो के कवर मैंने अपने सूट के कपड़े से बनाया है, वेलवेट का कपड़ा बच गया था तो उसको गोटा पट्टी लेस लगा के मैंने यहाँ पे दो कवर बना लिए। ये मेरे पास कपड़ा खड्डा और फूल पड़े थे तो मैंने बोला चलो दो पेंटिंग बना लेते हैं।
और यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया है काम, और अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।